ये कहानी है एक सुंदर से जंगल की, जहाँ पर तरह तरह की पक्षियाँ निवास किया करती थी। उस जंगल में एक मिठाई की दुकान भी थी, जहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती थी। वहाँ पर हलवा बहुत स्पेशल था। वहाँ सभी हलवा बनाया करते, पर टूनी का बनाया हुआ हलवा सबसे अनोखा हुआ करता था। उसके हलवा की विशेषता ये थी कि उसका हलवा खाने वालों की कुछ व्याधियाँ भी कम हो जाया करती। इसलिए आसपास के जंगल से भी कई पक्षियां आकर टूनी से हलवा खरीद कर ले जाया करते। इस वजह से टूनी बहुत फेमस थी। एक दिन हर रोज की तरह टूनी हलवा बना रही थी। ठीक उसी समय उसकी सहेली लूसी कबूतर उससे मिलने आई। टूनी, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछूं? तब टूनी ने कहा, हाँ दोस्त, पूछो ना। देखो टूनी, तुम्हारे पति और बच्चों का तो देहांत हो चुका। मैं समझती हूँ कि तुम भी ये नहीं चाहोगी कि ये गुणकारी हलवा बनाने वाला राज तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाए। तुम अगर अपनी ये विद्या किसी और को भी सिखाओगी तो कईयों की जान बचाने वाली कहलाओगी। हाँ, सच कहूँ तो मैं भी अपनी ये विद्या किसी को सिखाना चाहती हूँ, पर ये इतना आसान भी नहीं है। इसे सीखने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। इसे शास्त्रानुसार और परंपरागत पद्धति से ही बनाया जाता है। इसे बनाने में कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। 45 दिनों तक ठंडे पानी से नहाना होगा। सुबह के 3 बजे उठकर 9 बजे तक इसे कैसे बनाते हैं सीखना होगा। और एक बार जब सुबह उठ जाओ तो शाम के 7 बजे से पहले सो नहीं सकते। और इन 45 दिनों तक एक समय का ही भोजन ले सकते हैं। इस अवधि के बाद तुम चाहे जो कर लो, कुछ नहीं होगा। इस पर लूसी ने कहा कि ठीक है, कोई और क्यों, मैं ही ये दवाई बनाना सीख लेती हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मैं चाहती हूँ कि अपनी सारी सहेलियाँ ये विद्या सीख ले। पहले तो मैं उन्हें जाकर सारी बात बताती हूँ। अगर वे सभी इसके लिए राजी हो जाए तो मैं उन सबको यहाँ तुम्हारे पास ले आऊंगी, फिर तुम हम सबको सिखाना। लूसी की बात से टूनी भी सहमत हुई। अगली सुबह टूनी के पास उसकी सभी सहेलियाँ, लूसी कबूतर, छोटू तोता, चीचू कौवा और डोरा चिड़िया आ गए। टूनी भी उस जगह पहुंची और अपनी सभी सहेलियों से वो बात कही। नेक काम करने के लिए हम तो सदैव आगे ही रहेंगे, इसीलिए हम सब जरूर तुमसे ये विद्या सीखेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं तो तुमसे एक बात कहना भूल गई। जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो अपनी जिंदगी खो बैठेगा। टूनी ने जैसे ही ये बात कही सभी भयभीत हो गए। बाप रे, जान को जोखिम में रखकर ऐसी विद्या सीखना भला क्या जरूरी है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे छोड़ दो। ये कहकर छोटू वहाँ से खिसक गई। मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं भी चलती हूँ। पर डोरा ने डट कर कहा, मैं इन सब से नहीं घबराती, क्योंकि आने वाले 45 दिनों तक मैं पूरे नियमों का पालन करूंगी। मुझे खुद पर यकीन है और ये मैं करके दिखाऊंगी। और लूसी, तुमने क्या तय किया है? मैं घबराने वाली नहीं दोस्त, 10 लोगों की मदद कर पाऊँ ये बात मेरे दिल में घर कर चुकी है। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, मैं तैयार हूँ दोस्त। बहुत बढ़िया दोस्तों, सच कहूँ तो इस अवधि में किसी के जान को कोई धोखा नहीं होगा। बस मैं ये जानना चाहती थी कि तुम सब अपने फैसले को लेकर कितने अटल हो। इस बात का पता चलते ही वे दोनों घबरा कर चले गए, पर तुम दोनों यहीं डटे रहे। बस मैं ऐसे ही निष्ठावान को अपनी विद्या सिखाना चाहती हूँ। टूनी से ये बात जानकर वे दोनों बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन से टूनी ने उन दोनों को हलवा बनाने की विधि सिखाने लगी। उन दोनों ने बड़ी श्रद्धा से हलवा बनाना सीख लिया। वो हलवा बनाते हुए समझा रही थी कि ये घुटनों का दर्द, दिल की बीमारियाँ और साथ में शरीर के कई बीमारियों को ठीक करने में लाभकारी है। बीमारियों को कम करने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके भी हलवा का स्वाद खराब कैसे ना करे, ये उन्हें अच्छे से सिखाया। 40 दिनों तक कड़ी मेहनत कर उन दोनों ने बड़ी श्रद्धा से हलवा बनाना सीख लिया। फिर वे दोनों मिलकर आस पड़ोस वाले जंगल में जाकर सभी पक्षियों को हलवा बेचने लगे। उसके लाभकारी गुणों के बारे में बताकर सभी तक हलवा पहुंचाने लगे। यूं धीरे धीरे बात फैली और कई पक्षियों ने आकर उनसे हलवा खरीदना शुरू किया।
बीमारियों को ठीक करने वाला हलवा जानकर कई पक्षियां उनके पास हलवा खरीदने आते। इस तरह टूनी ने अपनी विद्या अपने दोस्तों को सिखाई और इस दवाई को हर किसी तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ आने वाले पीढ़ी को भी इस विद्या के बारे में बताकर कईयों को हलवा बनाना सिखाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा पक्षी इसका लाभ उठा पाए। यूं उन सभी ने मिलकर एक नए काम को बढ़ावा दिया, एक ऐसा लाभकारी हलवा जिससे कई बीमारियां कम हो जाए। ये बात एक गांव से दूसरे गांव करते हुए पूरे राष्ट्र में फैल गई। इस तरह टूनी का अनोखा हलवा हर किसी के लिए मददगार बना। लूसी और डोरा टूनी से ये विद्या सीखकर बहुत खुश थे। टूनी का समर स्पेशल मैंगो जूस। टूनी के बहुत सारे आम के बगीचे थे। उन आम के बगीचों से कई नन्हे पक्षियां और बड़े पक्षियां भी आम तोड़कर ले जाया करते। टूनी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। यूं एक दिन टूनी की सहेली लूसी कबूतर ने एक कौवा और उसके नन्हे से बच्चे को आम तोड़कर खाते हुए देख लिया। ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या तुम्हारे बाप दादाओं का बगीचा है जो अपने बेटे को साथ लिए यहाँ पर आई और आम खा रही हो? भला औरों की चीज पर इतना मोह क्यों? बड़ी नम्रता से चीचू कौवा ने कहा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें यूं मत डांटिए। हमारे हालात बहुत खराब है। गर्मी के कारण कहीं हमें आहार भी नहीं मिल रहा। चारों ओर झील झरने भी सूख गए हैं, कहीं भी जा नहीं पा रहे, इसीलिए यहाँ पर आए थे। अनजाने में हमसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना। यूं आंसू बहाते हुए चीचू अपने बेटे को लिए वहां से चली गई। तभी वहां पर टूनी आई। अरे उसे क्या हुआ, वो रोते हुए क्यों चली गई? इस पर लूसी ने सारी बात बताई और कहा, मैंने ही भेजा है उसे, उसमें इतनी भी शर्म नहीं। औरों के बगीचे में आकर यूं आम खा रही है, देखो तो कैसे फैला कर रखा है। बेशर्म कहीं के, तुम अपने बगीचे का ध्यान नहीं रखोगी क्या? हाँ हाँ, आमों का ध्यान रखने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, पर कौवे को इस तरह बेइज्जत कर भेजना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने ये बगीचे बनवाए हैं इसलिए हैं ताकि इन सब की मदद कर पाऊँ। गर्मी के दिनों में हमेशा ऐसा ही होता है, यहाँ सभी को आहार मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो मैं हर साल अपने बगीचे से आए हुए आमों का जूस बनाकर इन सब में बांट देती हूँ। पर इस बरस इस काम के लिए थोड़ी देरी हो गई मुझसे, क्योंकि मही नाम की चील जो हर बरस मेरी मदद करती थी वो हाल ही में चल बसी है। तभी तो मैंने तुझे खबर भेजी थी यहाँ आने के लिए। टूनी की बातों से चौंक गई थी लूसी। उसने पूछा, क्या ये सच है? तुमने इन बगीचों में इतने सारे पैसे खर्च किए सिर्फ इसलिए ताकि तुम इन सब की मदद कर पाओ? सच टूनी, तुम जैसी विशाल हृदय वाली दोस्त पाकर मैं बहुत धन्य हो गई। यूं अपनी दोस्त की सराहना करने लगी। उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे आम इकट्ठे किए और झड़कर गिरे हुए आमों को भी उन्होंने इकट्ठा किया। दोस्त चलो अब इन सभी आमों को हम गांव के गेस्ट हाउस में ले चलते हैं। फिर उन दोनों ने टोकरियों को ढोया और गांव के गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां पर एक बड़ी सी जूस बनाने वाली मशीन थी, जिसे देख लूसी चौंक गई। अरे वाह, ये इतनी बड़ी मशीन तुमने सबके लिए लगवाया, बहुत बढ़िया। लूसी अपनी सहेली की तारीफ करने लगी। उन दोनों ने साफ किए आमों को जूस जार में डाल दिया। उसमें से जूस निकलकर बाहर आ रहा था। फिर वे दोनों जूस को लेकर बाहर आए। आम रस ले लो, आम रस, आप सभी के लिए मुफ्त में मीठा मीठा आम रस। यूं जोर जोर से आवाज लगाकर सभी को मैंगो जूस पीने के लिए बुला रहे थे। वहां पर चीचू कौवा भी अपने बच्चे को लेकर आई। इस बरस जूस वितरण में आपसे देरी हो गई, इसलिए हमसे रहा नहीं गया और हम आपकी अनुमति लिए बिना ही आपके बगीचे में आम खाने आ गए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। यूं वो सभी को जूस देने लगी। सभी जरूरतमंद पक्षी वहाँ पर आकर जूस लेकर पी रहे थे। सभी ने जूस की बहुत तारीफ की और तृप्त होकर लौट रहे थे। यूं ही वो रात बीत गई। इस तरह अगले कई दिनों तक उन्होंने जूस बनाकर जरूरतमंद पक्षियों में बांटे। दोस्त जैसे तुम कर रही हो ठीक वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरी और भी कुछ सहेलियाँ ऐसी हैं जिनके आम के बगीचे हैं, वो भी ऐसी कोई मदद करे। टूनी को ये सुझाव अच्छा लगा। यही बात बताने के लिए लूसी कबूतर अपने सहेलियों के पास गई।
उसने अपनी सहेलियां डोरा चिड़िया, मही चील और छोटू तोता से मिलकर सारी बात कही। अरे वाह, तुम्हारी सहेली तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसके इस नेक काम में हम भी हाथ बटाना चाहेंगे। हम भी हमारी ओर से फल देंगे और उसकी सहायता करेंगे। उन सभी की सहमति होने पर लूसी कबूतर बहुत खुश हुई। फिर वे सभी अपनी अपनी ओर से फल लेकर तूनी के पास पहुंचे। मही चील ने तूनी से कहा, दोस्त, हमें पता चला कि पिछले कई सालों से तुम ये नेक काम कर रही हो। तुम जैसे नेक सोच रखने वालों की वजह से ही भगवान ने अब तक हमारी इस दुनिया को बिना किसी नुकसान के बचा कर रखा है। यूं हर कोई तूनी की तारीफ करने लगा। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं, तुम सब भी तो नेक दिल वाले हो, तभी तो इतनी दूर आकर इन सबकी मदद करने के लिए तैयार हुए। तुम सभी का बहुत बहुत आभार दोस्तों, छोटू तोता ने कहा। केवल इस बरस ही नहीं दोस्त, हम हर बरस यहाँ आएंगे और तुम्हारे इस नेक काम में हिस्सा लेंगे। यूं सभी ने अपनी ओर से हामी भरी। तूनी बहुत खुश हो गई। फिर वे सभी जूस बनाने में लग गए और आम के जूस को जरूरतमंद पक्षियों में बांटने लगे। इस तरह सभी के हंसते चेहरों में अपनी खुशी ढूंढ रहे थे। इस तरह उन सभी दोस्तों ने मिलकर हर साल भूख से तिलमिला रहे सभी पक्षियों की मदद की।